शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उस हरामखोर प्रीतम सिंह ने सरे बाजार हमारा राशिद का जुलूस निकाल दिया। ये सब क्या धरा साले उस महावीर का है। सालों से खुद कुछ ना हुआ हरामियों से तो लौंडे को आगे कर दिया। बिल्कुल सही है। हल्के में मतलब उन सबको मास्टर महावीर सिंह पूरा जोर लगा देंगे ओमी को जिताने के लिए। और अब तो इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भी उनके साथ है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले महावीर का टिकट काटो, सबकी अपने आप ही फट लेगी। ए फौजी मियां, तुम्हारे को अल्लाह का वास्ता, ये मारने मरने काटने की बात है ना, सब इलेक्शन के बाद करना। एक बार हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद आधे गाजियाबाद को ठोक दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक। क्या ये सब, ये सब क्या है? अपराधी भी अब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कमाल है सर, इसने तो हूबहू यूनिफॉर्म सी ली है, इसलिए साला पहचानने में नहीं आ रहा है। 10 आदमी मरे और आपको मजाक सूझ रहा है? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? सर प्रीतम सिंह इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। एक मिनट सर, एक मिनट। ये देखिए मेरा सर्विस रिवॉल्वर, एक गोली इसमें से फायर नहीं हुई है सर, गोलियों का हिसाब है मेरे पास। आपको सरकारी गोलियों की जरूरत ही कहां पड़ती है? आप तो जहां भी होते हैं वहां 10-12 लोग तो यूं ही मर जाते हैं, और वो कैसे मरते हैं ये कोई नहीं जानता। प्रीतम अपने काम करने के तरीके को बदलो, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। अब इलेक्शन के टाइम पर कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना, समझे? यस सर। सतबीर के मैटर को जल्द से जल्द क्लोज करो। सर सर लगता है ये सतबीर का कुछ करना पड़ेगा। घर का लौंडा है, जब मूड आए ठोक देंगे साले को। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मीरठ, सहारनपुर, मोदीनगर से आए हुए नतीजों से पता चलता है कि वहाँ के लोकतांत्रिक उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। और अभी अभी गाजियाबाद से आ रहे चुनाव परिणाम से पता चलता है कि बाहुबली नेता राशिद अली अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ओमवीर से 1,00,000 वोटों से जीत गए हैं। मैं ये वादा करता हूं कि आपका ये अपना भाई राशिद आप लोगों के एहसानों का बदला अपना खून देकर चुकाएगा। सारे क्षेत्रों से अपने फेवर में खबरें आ रही हैं। आप तो बस अब मंत्री बनने की तैयारी करो। बस दुआ कीजिए। आज रात का खाना मास्टर क्या करते हैं? माँ जी आज मैंने इनका मनपसंद खाना बनाया है। फौज की फौज करेगी मौज। आज देख तेरे घर में तेरी कब्र बनाता हूँ। फौजी राहुल कहाँ है? राहुल जा, ए राहुल बाहर है। राहुल तेरा चाचू आज मेरी बात ना सुने हैं? आवाज लगा के बुला जरा चाचू को। चाचू घर पर नहीं है।
अरे तेरी बहन की यार सारी गोलियां वेस्ट कर दी। सुन, तेरी चाचू को बोलना फौजी आया था। क्या बोलेगा? फौजी आया था। हाँ आप लोग ठीक हो ना भाभी? सुमन तुम ठीक हो ना? इंसान खत्म होंगे तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। देखते हैं बहन जी इस बार कितनी सीटी लाती हैं। अरे फौजी भाई आदाब आदाब, क्या हाल है? अरे चाय नाश्ता लगवाइए इनके नहीं, लिए। नहीं नहीं नहीं, जरा जल्दी में हूं आज। बताइए क्यों बुलाया था? तुम्हारी गोली से सतबीर की बीवी की मौत हो गई। अब गोली चलेगी तो कोई ना कोई तो मरेगा ही। फौजी मियां, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा कांड करने से पहले एक बार हमें बता दिए होते? भाई विधायक बने हैं, अब तो सारे शहर में आग लगा देंगे। चलो मियां, तुम भाई हो, अपने जो हो गया सो हो गया, झेल लेंगे, यही बताना था तुम्हें। चलिए चाय तो पी के। नहीं नहीं, फिर कभी। ख्याल रखना अपना। चुनाव में दो चार लोगों को क्या मार दिया, ऐसा लगता है विधायक बनने का फायदा हमसे ज्यादा भी ये लेगा। लेकिन राशिद भाई, फौजी तो अपना ही आदमी है। यही तो देखना है कि ये कब तक अपना है। हाँ संगम जी बोलिए। राशिद भाई, सतबीर की दंगे वाली लाइव फुटेज मिल गई। मुबारक हो। ये हुई ना बात, अब शासन को ऐसी रिपोर्ट बना के भेजूंगा ना कि दरोगा क्या उसका बाप भी नहीं बचा पाएगा उसे। आप देखते रहिए और आनंद कीजिए बस। शुक्रिया संगम जी शुक्रिया। सतबीर का तो काम हो गया, साला पगला दिया था, रातों की नींद हराम कर दिया था, अब बचा है दरोगा। इस दरोगा का क्या करें? एक तरीका है मेरे पास। चुप रह साली, ले चाय से। ये झगड़ा हमने नहीं फौजी ने शुरू किया था। फौजी ने अपने सतबीर भाई पर झूठा इल्जाम लगाया था उसके घर पे हमले का, याद है ना? साला, एक अच्छे आदमी को वांटेड क्रिमिनल बना दिया है। कौन लाया इसे यहां? मैं लाया हूं।
अपने भाई की इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरी भाभी को मारा है उसने, हमारे घर पे गोलियां चलाई हैं। मैं इसे यहां सिर्फ इसीलिए लाया हूं ताकि उस सांप को अपने बिल से घसीट कर यहां तक ले आऊं ताकि हम उसे मार सके। इतना कमजोर नहीं है तेरा भाई कि फौजी जैसे कुत्ते को मारने के लिए एक औरत का सहारा लेना पड़े। भाई तू समझ रहा नहीं है, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा हमें, याद रख इससे अच्छा। बस बस इसी वक्त तू इसे वापस छोड़ने जाएगा, समझा? जब तक इसे वापस छोड़कर नहीं आ जाता अपना मुंह मत दिखाना मुझे। हेलो सतबीर जी। ठाकुर साहब, राशिद और संगम तेरे खिलाफ एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो कानूनन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कानून से मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। देखो मी, सतबीर भाई ठीक कह रहे हैं, इसे छोड़ ही आते हैं। जी अगर सपने में आ जाए तो मूर्त निकल आता है। तुमने तो फौजी को जिंदा देख लिया हराम चाहते। तेरे घर पे हमला सतबीर ने नहीं किया था। तेरे कानून की तरह नपुंसक नहीं है संगम, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना अपील, ना डेट, डायरेक्ट सजा।